गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। और सुबह सुबह की जो सबसे पहला काम है ना, वो यही है कि सबसे पहले बाहर में पानी डालना। और ऐसा कहते हैं कि जो भी पितर वगैरह आते हैं, ये उनकी विदाई होती है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और सबसे पहले ना सभी के घरों में जितने भी लोग होते हैं ना, मुझे लगता है सबके घर में यही काम होता है। इससे बहुत बरकत बनी रहती है। लेकिन पानी को ना एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने देना है। तो मेरे यहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है, क्योंकि ढलान है ना, तो पानी बह जाता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट अपना जो है काम करने के लिए। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर अपने लिए बनाने जिंजर वाटर। और ये बहुत अच्छा डिटॉक्स का भी काम करता है, वेट लॉस का भी काम करता है। और आप सोच रहे होंगे जो अदरक है वो फेंकी जाएगी, तो नहीं, अदरक को ना मैं चाय में डाल दे रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं आज जग गए हैं, तो जो है उनके लिए चाय बन रही थी, उसी में मैंने उसको डाल दिया। तो ज़रा सा भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना है। और उसके बाद मैं ऐड करती हूँ इसमें एक चुटकी भर हल्दी पाउडर। तो ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा, चाहे तो आप इसको खौला भी सकते हो, खूब अच्छे से बॉईल करके उसके बाद ठंडा करके पी सकते हो, चाहे आप पीने भर का पानी लेकर उसमें इस तरह से मिलाकर भी पी सकते हो। दोनों तरीके से पी सकते हैं और दोनों ही सही है। तो मिलती हूँ मैं आपसे। तो गुड मॉर्निंग, अभी ना मैं आई हूँ किचन में। सुबह के जितने भी जो सबसे पहले वाले जो काम होते हैं ना, वो सब हो चुके हैं। पूजा पाठ करने के बाद तो मैं आई हूँ चाय पीने। चाय मैंने अपने लिए बनाई थी। और जब तक मेरी चाय ख़त्म होती है, तब तक जो है समझ लीजिए कि दाल वगैरह मैं चढ़ा देती हूँ, तभी मेरी चाय जो है ख़त्म नहीं होती। तो सबसे पहले ना बनाने जा रही हूँ आज का नाश्ता, क्योंकि आज है संडे, तो संडे के दिन कुछ स्पेशल होता ही है। और ठंड भी है, तो भाई ऐसी चीज़ बनाना है जो झटपट बन जाए। तो ये मैंने ना धनिया, अदरक और लहसुन को पीस लिया है। और इधर है तैयार कर रहे, मैंने आलू उबाले थे ना, उस आलू को कट कर लिया है अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद लिया मैंने जीरा, और जो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत लोग उसको पहचान गए होंगे। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ बनाने कचालू, जिसको बोलते हैं ना हरे भरे आलू, तो भी बोलते हैं। और हमारे साइड में, मतलब इधर साइड फैज़ाबाद यूपी की तरफ ना, इसको टिकिया और चाट से भी ज़्यादा पसंद किया जाता है। मतलब ठंड के दिनों में अगर आप किसी को कचालू दे दो ना, तो उसका दिल और मन दोनों बहुत खुश हो जाता है। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ना आलू को करती हूँ मैं हल्का फ्राई, क्योंकि ना सीधे इसमें मसाले मिला के फ्राई करने से मुझे वो टेस्ट नहीं समझ में आता, इसलिए मैं ना आलू को अच्छे से पहले फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद उसमें मैं चटनी, मतलब जो भी अदरक और धनिया पत्ती और लहसुन की पत्तियाँ पीसी थी ना, उसको डालूंगी। मिर्च अपने हिसाब से डालना है, तो तीखा नहीं करूँगी, नहीं तो बस मेरे यहाँ शुरू हो जाएगा कि ये कुछ भी बनाती है तो इसको बिना मिर्ची के काम नहीं चलता। तो ऐसा लोग कहते हैं मेरे घर में, क्योंकि मैं तीखा खाती हूँ और बाकी सब लोग ना नॉर्मल खाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा रहता है, तो मैं ऊपर से मिर्च ले लेती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मटर ऐड कर दिया है। मटर जो होता है ना, वो पूरी तरह ऑप्शनल है, मन है तो डालिए, नहीं मन है मत डालिए। वैसे हमारे यहाँ टिकिया चाट वाले ना इसको नहीं डालते हैं, और सिर्फ हरे भरे आलू बनाकर ही देते हैं, कचालू मतलब बनाकर देते हैं। तो सबको वही पसंद है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही लगता है। मतलब हल्का का हल्का नाश्ता भी होता है, चटपटा नाश्ता भी होता है, दिल भी खुश मन भी खुश, मतलब हर तरफ से, और नुकसान किसी चीज़ का नहीं। तो बहुत अच्छे से हो चुका, बन चुका है, अब मैंने सर्व कर दिया है सबके लिए। और साथ में चाय बनी रही थी, तो इसके साथ हो जाएगी चाय। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। वो कम ज्यादा करने वाला है, वो हम देख लेंगे, उसको मत करो कुछ भी। इधर बॉबी। तो मेरे बेटे ने मेरे लिए मंगाया है बकेट वाला, क्या मॉप पोछा। तुम्हारा लग जाएगा ये इधर। हाँ तो देखिए भाई, मैं कर लूंगी बेटा, ये इधर आप उल्टा लगा रहे, उधर ही लगेगा। तो फिलहाल मैं ये सबको ना सेट करती हूँ एक बार, तो फिर मैं आपको।
दिखाती हूँ, पहले मैं एक बार इसको सेट कर लूँ। अच्छा तुम लाइक भाई थे ना, तो सोच रहा कौन नहीं है। अच्छा तो मैं कर रही हूँ ना, रुक जाओ ना। और कुछ भी समझ, ये इसका स्पिन करने वाला उसमें जो तो संडे है ना, तो चाहती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं ना संडे जो है वो संडे को मुझे लाइव करने का मन था, तो इसके लिए मुझे जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म करना था। तो उसके बाद ना अभी आपने देखा मैंने अनबॉक्सिंग किया, और अनबॉक्सिंग करने में लग गया टाइम अच्छा खासा, आधा घंटा लग ही गया, और फिर खाना भी बनाना है। तो इधर ना मैं बनाऊँगी आज आलू गोभी और मटर की भुजिया, और आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कितना मटर खाते हैं, तो भाई सही बताओ हम लोग ठंडियों में ना मटर ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि एक तो हमारे घर की मटर होती है, दूसरी चीज़ जो है अच्छा लगता है ठंडी भर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारी भुजिया ना इधर बन के तैयार हो गई है, और उधर मैंने चढ़ा दी है चावल, दाल हो चुकी है, तो अब उसे फ्राई भी करना है। लेकिन उससे पहले ना बीच बीच में जो और सब काम होते हैं वो भी निपटाते जाना है। तो सब्जी हमारी तैयार हो गई है, दाल हमारी बन चुकी है, और चावल को मैंने चढ़ा दिया है, और इसी बीच बीच में ना जो साफ़ सफाई के काम होते हैं वो सब भी होते रहते हैं। तो जो आज मॉप आया ना नया वाला, तो उसी से मैं लगा रही हूँ पोछा। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँ इसका रिव्यू तो इतना ज़्यादा ईजी तो खैर नहीं है, जैसे मैं पहले लगाती थी तो वो थोड़ा भारी था, और ये थोड़ा सा लाइट वेट है, तो लाइट वेट होने की वजह से ईज़िली थोड़ा सा है काम, लेकिन वो बार बार उसकी नॉक खोल के उसके बाद फिर उसको धुलना स्ट्रेन करना, तो ठीक है, मतलब कह सकते हैं ना कि आधुनिक चीज़ें हैं, कहीं बुराई नहीं होती है इस्तेमाल करने में, लेकिन थोड़ा सा ना जो है लगता ही है, क्योंकि आदत तो है नहीं, तो थोड़ी सी मैं भूल भी जाती हूँ बीच बीच में कि मुझे उसका नॉट भी खोलना है, तो ऐसे ही होता है, धीरे धीरे करते करते आदत पड़ जाएगी, लेकिन हाँ काम थोड़ा ईजी तो हो ही जाता है। बीच बीच में ना सफाई चलती रहती है, और इधर ना खाना भी बन चुका है, और दोपहर भी हो चुकी है, वो दोपहर हो ही चुकी है, दाल वगैरह छौंक देती हूँ, तो छौंक मुझे इस तरह से छौंकी हुई दाल ना बहुत पसंद है। कभी कभी मैं अपने हिसाब से भी बना लेती हूँ, कभी दूसरों के हिसाब से भी बना लेती हूँ, देखिए सबका मन होता है, अपना अपना तरीका है, थोड़ा थोड़ा सबका मन रखने के लिए ना करना रहता है, और फिर ठीक है बन जाता है तो सब लोग खा ही लेते हैं। तो इधर ना दाल अच्छे से छौंकना है, तो इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन जीरा और जो है लाल मिर्च, मुझे लाल मिर्च इसमें की बहुत टेस्टी लगती है, और इस तरह से जब आप छौंकते हो ना तो जो एक स्मेल आती है वो सबसे ज़्यादा स्मोकी सी स्मेल होती है, वो बहुत अच्छा लगता है दाल में। तो आज का लंच ना बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल, दाल चावल और ये सब्जी और भुजिया है, रोटी है इसके साथ। तो आप बताइएगा कि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी सिंपल खाना मतलब तेल कम मसाला तेल कम वाले ना अच्छे लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम का समय है और अभी मैं बना रही हूँ चाय। अब मुझे भी खांसी बस सभी में बनाने की चाय और डालूंगी कुछ जैसा अदरक, क्योंकि जुकाम जैसा लग रहा है, बिल्कुल सर में एकदम भारी हेडेक सा लग रहा है। ये है मेरी शाम की चाय, जो कि ठंडियों में मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और अब चल रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो खाने में हमारे यहाँ वही बनेगा सबसे ज़्यादा फेवरेट हमारी चीज़ निमोना चावल बनाना है। तो उसकी रेसिपी मैं पहले से आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे यहाँ कैसा बनता है, कैसे बनता है, तो बार बार एक ही चीज़ दिखाने का कोई मतलब नहीं है। और अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में की तैयारी करने, क्योंकि ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, थोड़ा सा भी अच्छा लगे
ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। अगर बुरा लगे ना भाई तो डिसलाइक का भी बटन दबा दिया करिए, जैसे जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, ये तो सब लोग समझ ही जा ही चुके होंगे, क्योंकि इस टाइम तो इंटरनेट सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सबको पता है कि सब्सक्रिप्शन हुआ, फॉलो हुआ, वो सब बिल्कुल फ्री होता है, उसमें पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो अगर थोड़ा सा सब्सक्राइब करने से अगर किसी को मोटिवेशन मिलता है तो किसी का क्या जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों जो है लोग नहीं सब्सक्राइब करते हैं। इवन कम से कम लाइक का बटन तो दबा ही दिया करिए। तो फिलहाल वो आपकी मर्ज़ी, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भी खुश, ना अच्छा लगा हो तो भी खुश। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और रही बात 32 बार फार्मूला का, वो मैं करती हूँ, जैसे भी करती हूँ लेकिन करती हूँ मैं, और थोड़ा बहुत फ़र्क सबको दिखता है। एक बार में एकदम से जादू नहीं हो सकता, तो हर चीज़ को होने में थोड़ा समय लगता है, तो वो फ़र्क दिखाई पड़ेगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।